एवरीवन, वी आर रेडी। हम तीनों रेडी हो गए निकलने के लिए। हमारी कैब आ गई है और ये है निशु और ये हूँ मैं। तो हम निकल रहे हैं और आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। बहुत ज्यादा क्या पता मेरे जब होंगे जब और वो पता वायरल भी इसीलिए हुआ कि उसने दो शादियाँ करी है। एक दिला दी ना घर में, तो लात मारूंगी उसको भी और तुम्हें भी, दोनों को साथ में लात मार के भगाऊंगी। हाँ देख लो गाइस, ये बोल रहे हैं कि अगर ये फेमस हो गए वायरल हो गए तो ये चार चार शादियाँ करेंगे। शकल तो देख लो, करके दिखाना चार शादियाँ। भैया कौन सा अरमान मलिक की बढ़िया शकल है? पैसे के ऊपर तो सारी चीज है। हाँ ठीक है, तुम चलो पहले वायरल तो बनो तो सही, ब्लॉगर बनो तो सही। तो मुकेश अंबानी अच्छी ना। अच्छा ठीक है, तुम वीडियो तो स्टार्ट करो कि पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे तब करोगे। तुम्हें पूरा डिटेल बताना है, बस का डिटेल बताना है, किराया बताना, सब कुछ बताना है। स्टार्ट करो। कॉफी आएगी निशु, बात बंद कर लो बेटा एक मिनट के लिए। नहीं मेरे में नहीं आई, मैं कर दूंगी, हटा दूंगी, म्यूट कर दूंगी। तो चल दिए हमने सफर पे, है ना निशु? बाहर का ये वही होटल है जहाँ पे एक बार वो था फंक्शन। अरे वो है प्रेप, वो प्रेप, उस पर रॉयल प्रेप। हाँ उसमें था सुमित जी। किसमें था? हाँ ये वाले। हाँ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था। कम कर लो बेटा थोड़ा सा। तो अभी हम चल दिए हैं और अभी हम पहुँचने वाले हैं मजनू के टीला। अभी थोड़ा टाइम है लेकिन आपको बाहर का दिखा रहे हैं ये सारे। क्या था ये फॉरएवर? देखो पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ मैं इसमें। अभी हम लोगों को टाइम लगेगा 47 मिनट, वहाँ पे दिखा रहा है 47 मिनट में पहुँच जाएंगे नए सफर पे। जय माता रानी। तो गाइस हाँ अभी क्या टाइम हो रहा है? 9:30 हो रहे हैं और अब यही तो यही पे तो रहती है बस। बस भैया ये रही। हाँ तो बस मजनू के टीला पे पहुंच गए हैं और देखते हैं यहाँ पे बस मिलती कि नहीं मिलती। अभी क्या होगा, एक बस तो खड़ी है। बस भैया यहीं लगा दो, चलो पता करते हैं उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। ठीक है ठीक है चलो। तो उसकी देखो भैया, आ जाओ आ जाओ। बहुत बहुत वो तो बहुत पीछे कर दी है। पीछे की सीट उछलती बहुत है ना। और कोई गाड़ी भी नहीं है भाई। चल धन्यवाद जी। ये कह रहा है दे दिया, सेंड करा है। हाँ सही है, प्रूफ तो चाहिए ना। दिखा जरा, तो बस मिल गई है, फाइनली बस मिल गई है बड़ी मशक्कत के बाद। ये कह रहे हैं लास्ट बस है। अच्छा कहते हैं 11:30 बजे तक चलती है ना। चलो ठीक है यार, ऋषिकेश तक का भी। पर बंदा जो है पेमेंट 1500 लिया है, 1500 पर 3000 प्लस। इसकी भी हमने अलग से सीट बुक कराई है, सीट ले लिया इसके लिए भी अलग से ताकि कंफर्टेबल जाए। जब ये छोटा था ना हमारे गोद में बैठ बैठ के जाया करे, अब नहीं बैठ के जाया करे, है ना। अब जैसे जैसे बड़ा होगा ये अपनी अपनी सीट ले लिया करेगा, है ना। तू अपनी सीट लिया कर, साइड वाला तू, अब साइड बड़ा हो रहा है तो निकल जाया कर, ऐसा बैग टांगा कर, ट्रेवल पे निकल जाया कर। ठीक है सही है ना। फिर चल बगले रहना, चक्कर तो यही है ना। टी शर्ट हाल हो गया
बस में ही पराठे सब्जी खा लिए थे, खाना तो मैं घर से लेके आई थी। ये है स्वागतम स्वागतम कई बार बता रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रही थी सुहागरात। नीरज होटल का नाम सुहागरात है तो बना रहा अच्छा तो है। कुछ भी कहो भाई, चाय तो बहुत अच्छी चाय है बट मैं पी रही हूँ। आइसक्रीम मरना है क्या ठंड में? और अभी रात के ना 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे हमारी बस रुकी है। 1:30 बज रहे हैं ना, मैं आपको एक बार घड़ी भी दिखा दे टाइम भी दिखा देती हूँ। हाँ देखो मैंने करेक्ट बताया, 1:30 बज रहे हैं, देख सकते हो 1:30 बज रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है कि मैं कुछ खाऊं, बाकी ये लोग खा रहे हैं। मेरे को तो चाय से बड़ा मज़ा आ रहा है, अगर ये 60 रुपए की चाय नहीं होती ना तो मैं कम से कम 3 चाय पीती यार। कम से कम 30 रुपए तो ले लो यार, मतलब एक कप को तंदूर में भून रहे हो तो इसका क्या मतलब 30 रुपए भुनने का ले रहे हो चार्ज, और 30 मतलब 10 रुपए दूध का और 5-5 रुपए चीनी चाय पत्ती का, टोटल 60 रुपए की ये चाय है। ओ माय गॉड, मतलब आम बंदा अगर यहाँ पे उतर जाए ना तो अगर उसका मन करे कि एक कप वो चाय पी ले तो वो चाय पी नहीं सकता है, वो बिल्कुल बेचारा सोच के दूर से महक लेके चाय की चला जाएगा लेकिन वो चाय नहीं पी पाएगा। तो चलो लिए मैंने 60 रुपए की चाय तो पीती हूँ, इंजॉय करती हूँ। मिलती हूँ आपको जहाँ हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, और कहाँ जा रहे हैं मेरे को खुद नहीं पता। ये हमारी एनिवर्सरी का सरप्राइज गिफ्ट है और हम निकले हैं अपने एनिवर्सरी पे, और हम हर साल निकलते हैं। आज ऐसा नहीं है कि हम पहली बार निकल रहे हैं, हम हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं, नैनीताल मनाली शिमला ऋषिकेश हरिद्वार, तो कहीं ना कहीं तो हमारा रहता ही है हर साल, मतलब हमेशा है ना। हमने सिर्फ लॉकडाउन में वो किया था ना गैपिंग, जब लॉकडाउन लगा था। टेस्ट ऑफ इंडिया पार्टी हॉल बैंकेट हॉल ढोसा वाला तंदूरी रूम्स रिजॉर्ट, ये है ढाबा जहाँ हमने अभी छोटा सा डिनर किया है, छोटा सा एकदम स्मॉल सा, इत्तू सा डिनर किया। चाय बहुत, हाँ बेबी कुछ नहीं, मच्छर आ गया इसमें बेटा। हाँ तो चलो बाय बाय करते हैं इसको, बाय बाय। अब सुबह रुकेगा सीधे, अब सीधा नींद में हो जाओ नींद में। तो गाइस बस हमारी चल पड़ी है, देखो अभी हम सुबह पहुँचेंगे, अभी रात के 1:45 बजने वाले हैं। बाय बाय। और इसका नाम था बता दी स्वागतम। टेस्ट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ है, ये रास्ते में पड़ा होटल। आए चलो चले मितवा एक नए सफर पे, आएगा बहुत मज़ा घूमने में। गुड आफ्टरनून, तो अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और अभी खाना ऑर्डर किया है, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। वो है बाहर का कुछ व्यूज़, और इस बार हमें बैक साइड का रूम नहीं मिला क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सारा बुकिंग है, और हमने पूरा पैकेज लिया है तो पैकेज भी दिखा देती हूँ आपको। टोटली 3 दिन का 18,999 का हमारा पैकेज है, आप देख सकते हैं 18,999 का पैकेज है, और इसमें गाड़ी वगैरह सब इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट डिनर सब इंक्लूड है, और गाड़ी का ही खर्चा है घुमाने, मतलब इसमें गाड़ी वगैरह इंक्लूड है, टैक्सी इंक्लूड है, हमें जहाँ जाना होगा वो लेके जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट टाइम भी यही हमारा होटल था और इस बार भी यही हमारा होटल है। हम क्या करते हैं कि जहाँ हम एक बार हमें अच्छा लग जाता है ना तो वहाँ पे हमें मतलब थोड़ा बहुत हम डिस्काउंट करा सकते हैं, लेकिन इस अभी सीज़न चल रहा है तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है। तो 18,999 यानी 19,000 का पूरा पैकेज है हमारा। तो चलो अभी खाना ऑर्डर किया है, और होटल की कंडीशन अभी कुछ ऐसी है, और ये लोग रेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी फ्रेश होकर आई हूँ, खाना खाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद शाम को निकलूंगी माल रोड देखने। आज तो नहीं जाना, सुबह
मेरा फेस पता नहीं कैसा सफ़ेद सफ़ेद सा आ रहा है। तो सुबह 7:30-8 बजे घूमने जाना है। अभी तो देखो क्या था, पेट में ना दर्द हो रहा है भूख की वजह से। तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।